कालका विलेज एक तो प्रदूषण फ्री है और दूसरा प्लास्टिक फ्री। यहाँ कॉटेज वाले हैं, गांव वाले हैं, हम सब लोग मिलके प्लास्टिक को इकट्ठा करके, बोतलों को इकट्ठा करके रिसाइकल होने के लिए नीचे भेज देते हैं। प्रदूषण फ्री इसलिए है क्योंकि यहाँ रोड नहीं है, आदमी को यहाँ थोड़ा डैम से ऊपर ट्रैक करके आना पड़ता है। कालका में बर्फ दिसंबर से फरवरी तक रहती है और कालका पूरा बर्फ से ढका रहता है। जून जुलाई में कालका विलेज पूरे सेब से ढका रहता है। सर्दियों में यहाँ जीना इतना आसान नहीं होता क्योंकि स्नो टाइम में हमें लकड़ियाँ इकट्ठा करके रखनी पड़ती है, तो उसके बावजूद हम पूरे गांव वाले मिलके फॉरेस्ट में दोबारा से पेड़ उगाते हैं ताकि वो फ्यूचर में काम आ सके। आपको कालका क्यों आना चाहिए? क्योंकि यहाँ शांति है। कसोल जैसे एरिया में बहुत भीड़ भड़ाका है। कालका आप लोगों को इसलिए आना चाहिए क्योंकि ये मिडल में पड़ता है। यहाँ से सारे ट्रैक जाते हैं, जैसे आप खीरगंगा जा सकते हो, भुनभुनी पास होके खीरगंगा जा सकते हो और भंडक जा सकते हो, चाहे तोश जा सकते हो और पुलगा भी यहाँ से जा सकते हो इजीली। जितने भी कालका में टूरिस्ट आते हैं उनका स्वागत है और जितने भी ट्रैक पर जाते हैं कृपया उनसे अनुरोध है कि वो गंदगी ना फैलाएं और पार्वती जो जिसकी कितनी खूबसूरती है उसको खूबसूरती ही रहने। हाय गाइस, मैं अभी कालका विलेज में हूँ और ब्लू स्काई कॉटेज में ठहरा हुआ हूँ। मैं आया था 31 दिसंबर को और आज हो चुकी है 5 तारीख। बहुत ही ज़्यादा अच्छा विलेज है ये। अगर आपको पीस चाहिए तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है कालका विलेज। और यहाँ मैं खीर गंगा की ट्रैक की और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी जब मैं आया था स्नोफॉल थी, अब थोड़ा अच्छा मौसम हो गया बट बहुत ज़्यादा ठंड है इधर अभी भी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा कि मेरे को इधर कितना अच्छा मज़ा आ रहा है इधर। और मैं इधर और दोबारा आऊँगा आगे। मंतलाई है ऊपर की साइड को, 6-7 दिन का ट्रैक है। नेक्स्ट टाइम मेरा जो रहेगा वो मंतलाई का रहेगा, वहाँ की ट्रैक करनी है मैंने। और आप सब भी, आपको अच्छा लगे तो आप आएँ इधर और पूरे ज़िंदगी के जो मज़े हैं वो लें, आपको बहुत एंजॉय होगा। पीस अगर आपको सिटी लाइफ से अगर हटके पीस चाहिए तो वो इधर ही मिल पाएगा। हिमाचल में है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और योर मोस्ट वेलकम है। और इधर के जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, सो काइंड हार्टेड। एंड दैट्स इट, थैंक यू।